श्रीवास्तव, आपको आर्टिफैक्ट्स का प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं। इसमें आपको मोल्डिंग क्ले लेना है इस टाइप का, और उस क्ले को मिला करके हमने ये सब चीज़ें बनाई हैं। ये सारे आइटम्स के देखे बनाए छोटे छोटे स्टेप से, और ये स्टैंड बनाया है हमने, इसको ब्लैक से पेंट कर दिया, ऐसे पुट्ठे के ऊपर हमने लगा दिया है। इसको ब्लैक से हमने पेंट कर दिया, फैब्रिक कलर से पेंट कर दिया है, और सबको शेप दे दिए हैं। शेप देने के बाद मेरे पास ऐसा वायर है, आप ये भी वायर ये भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा वायर था, उसको हमने इस टाइप से एयरिंग बनाई है। ये फेविकॉल से छोटे छोटे बीट्स भी हमने बनाई है, इसमें ऑलरेडी होल भी है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और अभी हम मेटालिक कलर से इसको पेंट करेंगे। ठीक है, इसको हम धीमे, और ये थ्रेड इस टाइप का ब्लैक थ्रेड ले लिया है मोटा, इसके अंदर इसको जब ये गीला होता तभी हम इस पर होल कर लिए हैं, ये देखिए इस टाइप से। तो इसको हम इस पर डाल के बनाएंगे। हमने ये वायर ले लिया है, ये हमने वायर ले लिया है, वायर को फोल्ड करके इस टाइप से आपको फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करके इसके अंदर डालना है। डालने के बाद ये एक सर्कल टाइप का बन जाएगा आपका, इसको अच्छे सर्कल कर देना है इसके अंदर डाल करके, ताकि आपका थ्रेड अच्छे से इसके अंदर जा सके, बिल्कुल अच्छे से इसके अंदर जा सके। ये स्टेप्स को बिल्कुल बारीक से घुमा के टाइट कर देना है आपको। ऑटोमेटिक ही बना बनाया मिलता है मार्केट में, पर अगर घर में बनाना तो आप स्टेप्स बना लेंगे और उसको टर्न कर देंगे। और ये हमने स्टैंड बनाया है, स्टैंड में भी होल कर दिया है, यहाँ पे इसको डालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी हमने थ्रेड ले लिया है, या आप इस ये हमने स्टील का ये सिल्वर का तार ले लिया है। इसमें सबसे पहले हम इसको डालेंगे, इसमें हमने ऑलरेडी होल किया हुआ है, ये देखिए स्टेप्स डालते जाएंगे। फिर एक लीफ डालेंगे, ये लीफ डालने के बाद जिस मिडिल तक आपको लाना है वहाँ तक ला करके हल्का से उसको घुमाएंगे इस स्टेप से। ये स्टेप से लीफ रहेगी आपकी, ये इधर का धागा होगा, एक इधर का हो गया। ठीक है, अभी जो हमने ये बनाया हुआ है वापस एक बीट्स डालेंगे, बीट डालने के बाद फिर से हम ये रिंग डालेंगे, ये वाला देखिए स्टेप से ये जो मेरा बनते जाएगा। पूरा इस टाइप से आपको उसको बनाना है। ठीक है, अभी देखिए दोनों कान का टॉप्स बन गया है, वो घर का बनाना है क्योंकि बाहर से कुछ नहीं लाना है। तो इस टाइप दो टॉप्स बन जाएंगे, ये स्टैंड हो गया, ये नेकलेस हो गया। अब इसको हम पेंट करेंगे, ये नेकलेस हो गया आपका, वायर से बनाए बिल्कुल शेप में आप ला सकते हैं इसको, आप पतला थ्रेड भी डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं। स्टेप से ये फिफ्थ का हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, आर्टिफैक्ट्स, पुरानिया में हम लोग कैसे पत्थरों से अपना ज्वेलरी बनाते थे, बोर्ड बनाते थे, बच्चे खेलने के लिए टॉय बनता था, तो ये चीज़ वो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉपर कलर या सिल्वर कलर कोई भी कलर आपको लेकर के इसको पेंट करना है। ये देखिए स्टेप से हल्का अंदर ब्लैक कलर रहेगा, पूरा आपको कलर नहीं डाल देना है। इस स्टेप से पूरे ड्राइंग पूरे अपने नेकलेस को पेंट कर देना है, तो पूरा मेटल का लगेगा। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करना है आपको, बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना है, सूख जाएगा तो बैक साइड से भी करेंगे।
इसको भी आप सिल्वर जो है इसको भी आप कॉपर कलर से कर देंगे। यहाँ पे एक लीफ भी आ गई, बिल्कुल जैसा टेक्चर आप बनाते हैं अपने इस मोल्डिंग क्ले से वैसा ये बन जाता है। ये सब इसलिए मैंने सिखाया था बच्चों को ताकि कभी कुछ अपना बिजनेस करना हो, कुछ इस टाइप से करना हो तो इस क्ले से आप इस टाइप से भी कुछ अपना ज्वेलरी का बिजनेस कर सकते हैं। बिल्कुल क्ले को, दोनों क्ले को मिक्स करके और शेप दे करके इसे बनाना होता है। ये जो होल है वो इसके पेंसिल के पीछे बैक साइड से कर सकते हैं या फिर पेन के ड्रॉप से कर सकते हैं। इसको भी हम इस रंग से रंग देंगे। सूखने के बाद एक बार और कलर करेंगे इसको, जहाँ पे ये देखिए इसमें ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं दिख रहा है तो इसमें हम वापस से ब्लैक कलर मार्क करेंगे इस वाले में, जिसमें आपको ज़्यादा कलर चला जाए तो ध्यान देकर आप उसको फिर से अच्छे से कर सकते हैं। बैक साइड से भी करेंगे। इधर भी इस पर करेंगे। ये जो आपका स्टैंड बनाया हुआ है इसको भी हम हल्का हल्का कर देंगे, उसको खड़ा करेंगे। 4x4 के स्टैंड को के ऊपर हम कुछ को लगाना है। पूरा उस क्ले से, मोल्डिंग क्ले से टेक्सचर दे दिया गया है। हल्के के हाथ से आपको उसको करना लगता है, मेटल का लगने लगता है। आपको लगता नहीं कि ये न्यूज़पेपर या पेपर का या पुट्टे का बना हुआ है, बिल्कुल ये। इसको हम स्टैंड करेंगे, बैक साइड से भी कलर कर दे रहे हैं। ये देखिए स्टेप से, जब थोड़ा आगे सूख जाएगा तब आपको बैक साइड से करना है, तुरंत नहीं करना है। मेरे हाथ बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट हाथ से करते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है कलर के टच में रहने से। मेरे कपड़ों पे कलर, मेरे हाथ में कलर, मेरे नेल्स में कलर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगता है कि मेरे हाथ कैसे दिख रहे हैं, मेरे नेल्स कैसे दिख रहे हैं। तो आप लोग भी अवॉइड कीजिएगा। ये देखिए स्टेप्स, ये बैक साइड से भी मैं कलर कर दिया। अब इसको सूखने देंगे। देखो बिल्कुल मेटल का लगने लगा आपको। अभी देखिए फेविकोल और इसको लेकर के हमको यहाँ पे चिपका देना है। आप ब्लू गन से भी कर सकते हैं और ये पीछे गिर रहा तो आपको यहाँ पे स्टेप का कोई टेक या पेंसिल लगा देनी है जिससे ये स्टैंड खड़ा रहेगा। ये देखिए मैं इसको उसको यहाँ लगा देंगे, खोल करके हल्का सा टिका देंगे इसके ऊपर तो ये ऐसे खड़ा रहेगा। ये पीछे ऐसे स्टैंड लगा दिया हमने। अब इसको सूखने देना है। अगर कुछ देर आपको ऐसे टेक लगा कर रख देना है। देखिए तुरंत हम टेक लगा कर रख दिए, तुरंत नहीं छूना है और बिल्कुल उसको छोड़ देना थोड़ी देर आपको इसे सूखने के लिए। और ये मेरा नेकलेस रेडी हो गया है। नेकलेस भी आप यहाँ पे फंसा देंगे स्टेप से, इस जगह भी फंस जाएगा। नेकलेस लटकाने के लिए बन गया ये। और यहाँ पे ये नेकलेस मेरा बन जाएगा लटकाने के लिए भी। सूखने के बाद हम लटकाएंगे इसको। ये वाले जो भी आपका पोर्शन है स्टेप से। और ये एयरिंग है वही, ये भी यहाँ पे होल किए, सूखने के बाद लटका देंगे इसको भी। स्टेप से आपको लटका देना है। ये देखिए स्टेप से लटक जाएगा ये, तो सूखा नहीं है, आपको सूखने के बाद ही लटकाना है। ये देखिए स्टेप से हो गया। और नेकलेस आपको यहाँ पे लटका देना है।
ये आपका रेडी हो जाएगा इको फ्रेंडली। और ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट है, इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से पेंट कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों एक कलर को के दिख नहीं रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे इस जगह को, इसको भी हम ब्लैक कर देंगे थोड़ा, बस केवल डिज़ाइन को ही हाईलाइट करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एयरिंग्स यहाँ पे लगा दिया है हमने, और ये नेकलेस हम कल इसके इस जगह पे लगा दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को। थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा आप इस वीडियो को। ये बच्चों के लिए है इसलिए ज़्यादा डिटेलिंग्स भी नहीं कर सकते, बड़े हम और भी अच्छा इसको बना सकते हैं। थैंक यू।